Good morning, class 9. Again, I am here to teach you social science as usual. आप लेट कर रहे होंगे शायद या नहीं भी कर रहे हो पता नहीं. मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बता रही थी और इस पर डेफिनेशन चेंज हो गई है, आपको बताया था मैंने. आप देखिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो किए जाते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं अच्छी है. डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी बात है कि हर चीज का डिस्कशन होता है, आर्ग्यूमेंट होता है और सेटलमेंट होता है. पहला आर्ग्यूमेंट हमारा आता है अगेंस्ट डेमोक्रेसी. देखो पहला आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में ये है कि एवरी 5 years, 6 years या जैसा भी है इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद लीडर्स चेंज हो जाते हैं. ऐसा अगेंस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है कि जब लीडर्स चेंज हो जाते हैं तो इनस्टेबिलिटी बन जाती है, मतलब अस्थायित्व तो आ जाता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है. जैसे अभी आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगले साल नेक्स्ट ईयर आप किसी और स्कूल में चले जाए, उसके बाद किसी और स्कूल में, मतलब किसी और शहर के दूसरे स्कूल में चले जाए, तो क्या पढ़ाई में स्टेबिलिटी रहेगी? नहीं रहेगी. जहाँ आप शुरू से पढ़ रहे हैं आपको सब पता है, आपने सारी क्लासेस पढ़ी है, तो आपकी पढ़ाई में स्टेबिलिटी है. अब हम आपको इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं और बड़ा बर्निंग एग्जाम्पल है. आपको पता है, अक्सर ही मैं क्लास में बताती हूँ, मेरा टीचर आपको बता भी है, हमारे देश में जो भी है बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है. यहाँ पर एक सरकार कई सालों तक, नहीं लगभग 60 साल तक, उस समय हमारे देश में युद्ध हुए. पहला युद्ध जो हमने स्वतंत्रता के बाद 1962 में लड़ा चाइना वॉर, जिससे हमारी पूरी तरह हार हुई और 43,000 किलोमीटर एरिया चाइना ने अपने अंडर में कर लिया और आज तक वापस नहीं किया. लीडर चेंज हुए, अभी फिर उसने कोशिश की. आपने खूब न्यूज में गलवान घाटी सुना होगा, लेकिन क्या हुआ, लीडर के चेंज होते ही उसको पीछे हटना पड़ा. तो ऐसा नहीं है कि लीडर के चेंज होने से इनस्टेबिलिटी ही होती हो, कभी कभी कुछ अच्छा भी होता है. इसीलिए ये जो है आपका आर्ग्यूमेंट कि लीडर चेंज हो जाते हैं तो इनस्टेबिलिटी होती है, ये बहुत खराब नहीं उतरता. क्योंकि अगर लीडर चेंज नहीं होंगे तो ये काम ही नहीं करेंगे. सोचेंगे हमें तो बैठा रहना है, क्या कर लो जितने करो, पैसा लूट सको लूट लो, फिर पता नहीं क्या होगा. सेकंड है कि मॉरलिटी नहीं है. देखिए हाँ, ये बात मैं मानती हूँ
20 घंटे काम करते हैं और पुलिस से स्मार्ट और फास्ट है कि दूसरों को उनके साथ दौड़ना पड़ता है तो डिले नहीं होता है कामों में। लेकिन देखिए मैं आपको डिले के बारे में एक बात बताऊं, बड़े आश्चर्य की बात है। ये पहले क्या था, हमारे यहाँ जो फौज को जूते दिए जाते थे ना, ये यहाँ बनते थे इंडिया में, ठीक है, इसके बाद ये इजराइल भेजे जाते थे वो शू। देखो आप, ये मैं बता रही हूँ बात इतने सालों की, मैं नाम नहीं लूंगी, इतने सालों में यहाँ की होता है।
काफी टाइम मिल जाता है करप्शन का, इसलिए ये कहा जाता है यदि डेमोक्रेसी है तो करप्शन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, मतलब ज्यादा अवेयर नहीं होते या जिनके अंदर जाति की भावना होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। जैसे आजकल भी आप ऑर्डिनरी तो छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कहते हैं कि जो समान अधिकार होता है या ये जो चीजें हैं जैसे तीन तलाक का, उसको भी बोलते चाहिए और ये होना चाहिए कि नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको लोग नहीं पसंद करते, कुछ ऐसे लोग जो बहुत रिजिड होते हैं, और जैसे कि ये पॉपुलेशन के बारे में था, उसके बारे में अभी कितना बड़ा कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई और कितने लोग अगेंस्ट हो गए, वो अपोजिशन पार्टी भी बोली, सब बोले कि हम इस चीज को नहीं मानेंगे, हम ये नहीं दिखा सकते सर्टिफिकेट कि हम यहाँ के इतने सालों से रहने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन फिर भी कोरोना आया तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हटाई गई और दूर हुई। अशिक्षा, ये जो अशिक्षा है इसकी भावना तो आपने अभी देखी है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ना समझने की बात बड़ा बर्निंग एग्जाम्पल है। अभी कोरोना है, कितनी कोशिश की गई कि आप बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। देखिए किसको ने माना, ये डेमोक्रेसी थी, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, हम ऐसा नहीं कर सकते थे किसी अनशूड ऑर्डर को हम कहने के लिए। ये बात है, अगर नहीं निकलते नहीं मानते हैं तो इनको बाहर, इनको जहाँ देखो वहाँ शूट कर दो। अभी देखिए कितना बढ़ गया है कोरोना, वो इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि लोगों ने बात नहीं मानी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, और उसकी वजह से जो बात मानने वाले हैं या जो टीवी में ये कहते थे कि आप हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बुरा वक्त है ये भी निकल जाएगा, आज उनको भी कोरोना हो गया है। तो ये बहुत मजेदार बात है, ठीक है। ये तो हुआ अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अब आते हैं फॉर डेमोक्रेसी। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे आपके जैसे जो कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज मस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है, 1958 में और 61 में चाइना में फैमिन पड़ा, अकाल पड़ा, जिसकी वजह से आप विश्वास करेंगे उस अकाल में 30 करोड़ लोग मर गए। लेकिन क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, इसीलिए वहां से ये कहा गया चाइना से कि हमारे यहाँ तो अकाल इच्छा पड़ा ही नहीं, हमारे यहाँ तो इतने लोग मरे ही नहीं। इंडिया में भी अकाल पड़ा था लेकिन व्यवस्था की है इस पानी की, लोगों के रहने की पीने के पानी की, और तो और छोड़िए, मैं तो आपको बनने का एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी कोरोना COVID-19 है, उससे क्या हो रहा है आपको पता है, कई मजदूर है, ऐसे गरीब लोग हैं, किसान है, उनका क्या हो, उनको गवर्नमेंट ने इतना ध्यान रखा है उनका कि उनको अभी 3 महीने तक मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया है, और ये सब कितनी ध्यान रखने की चीजें हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर चाइना में भी ऐसा होता जब फैमिन पड़ा था, वहां तो एक ही गवर्नमेंट थी, उनको जो करना है करे, अगर अपोजिशन पार्टी होती, न्यूज़पेपर में आता, टीवी में आता, बहस होती, आर्ग्यूमेंट होते, तो इनको करना पड़ता 3 करोड़ लोग, ये आसान बात नहीं होती है इतने लोगों का मरना। इतने तो शायद अभी नहीं मरे जबकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और उस समय भी नहीं थी, तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है ये जरूरी है। दूसरी बात ये है, जरूरत है, उनको लोगों की जरूरतें पूरी करनी पड़ती है, ये नहीं कि वीडियो बनवा दिया और भेज दिया
हमारे पैसेंजर ने उनको वापस भेज दिया। तो ये जो रूलर है अगर ऐसा काम करेंगे, अभी देखिए जब इतना अच्छा काम हो रहा है, तब गवर्नमेंट कितनी क्रिटिसाइज हो रही है, उसको जबरदस्ती किया जा रहा है, तो क्योंकि अपोजिट पार्टी अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। फिर आता है कि जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होती है, देखो बच्चों यदि अपोजिशन है बहस करेगी तो कई बार सरकार को अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं, उसे कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ माइनस करना पड़ता है, तो जो क्वालिटी डिसीजन की है वो चेंज हो जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है। जैसे COVID-19 में आप कहेंगे बार बार मैडम भाई नाम ले रही है, वो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप इसके बहुत नजदीक है। देखो इसमें एक दूसरा से डिसीजन लिया गया, आपने राजस्थान में जो भीलवाड़ा में लिया गया, जैसे ही देखा कि कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, तुरंत कर्फ्यू ये लागू कर दिया कि अंदर जाइए तो इसे बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, तुरंत हो गया लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन हो गया और लोग अंदर चले गए तो उस समय हमारे यहाँ पर काफी और इंडिया में रोक लग गई, जैसे ही बड़ा वैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट पर ट्रेन पर हर जगह हमारे लीडर्स ने हमसे अनुरोध किया कि जो जहाँ जाए वही ठहर जाए, वही रुक जाए, उनकी खाने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था की गई। और आपको पता ही है ये कहा गया कि जो भाई लैंडलॉर्ड्स हैं वो 3 महीने का किराया नहीं लेंगे, शॉप की सारी बंद हो गई, कंप्लीट लॉकडाउन था, फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती निकलते थे, उनको भेजा गया, किसी तरह समझाया गया, वो नहीं माने, कहीं पर पूजा स्थल में जमा रहे, कहीं रहे, बड़े जोरों से उन्होंने किया और उसके बाद में उन्होंने कहा कोरोना तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बेकार की चीजें हैं, और उसके बाद में बहुत बुरी तरह फैला, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो जो क्वालिटी थी हमारी डिसीजन मेकिंग की वो बढ़ गई थी, बहुत अच्छी थी, और वो डेमोक्रेसी में ही पड़ी। कितना पैसा हम खाने के लिए खर्च कर रहे हैं, दे रहे हैं, गरीब की जिनकी मदद हो रही है, ये हमारी बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग है। और फिर क्या है, फील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपस में आपने देखा होगा कि जितने नेता लोग है ना अपोजिशन पार्टी है, ये सब बस वहां लड़ते हैं आके स्टेज पर, जैसे प्लेयर्स होते हैं जब खेलते हैं तभी लड़ते हैं और उसके बाद में सब एक हो जाते हैं। तो इनकी जो डिफरेंशियल है और जो कंफ्लिक्ट जो झगड़े होते हैं, इनको अच्छी तरह इसको इससे डील करना आ जाता है। जैसे कि अभी हमारे लीडर ने कहा कि हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और हम अपनी सुरक्षा करना भी जानते हैं, हम हाथ पे हाथ डाल के बात करना भी जानते हैं और हम दुश्मनी निभाना भी जानते हैं। देखिए इससे क्या हुआ, डिफरेंस है, बातचीत चल रही है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, बातचीत चल रही है जो रिजॉल्व करने के लिए सब काम हो रहा है लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो उसने उसको रहना आ गया, जीना आ गया, बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद में जो सिटीजन है, हमारे जो नागरिक है, उनकी डिग्निटी बढ़ जाती है। आज विदेशों में जो हमारे रहने वाले भारतीय नागरिक है वो भी बहुत खुश है। क्या खुश है कि इंडिया उन्नति कर रहा है तो उनकी इज्जत विदेशों में बढ़ रही है कि ये भारतीय है, यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है और इस तरह हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वो लोग भी हमारी मदद करते हैं। आप अगर ये बुक देखेंगे तो इस बुक में जो बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है ये सारी की सारी फॉर डेमोक्रेसी है और आप इसमें देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है ये गवर्नमेंट की दूसरी फॉर्म से बेटर मानी गई है क्योंकि इसको इसमें हम करेक्ट कर सकते हैं। ये पब्लिक के द्वारा चुनी हुई है डेमोक्रेसी, चुने हुए लोग
रूल करते हैं, रूलर से। और आजकल तो पब्लिक इतनी अवेयर हो गई है कि वो तुरंत एजिटेशन करती है और सुनती रहती है, बोलती नहीं है आज की पब्लिक, लेकिन वोट देते समय याद दिला देती है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, आपको अर्श से फर्श पे ला देती है, 100 से आप 0 हो जाते हो। और जब इस तरह लीडर्स बोलते हैं, पब्लिक इतनी समझदार है, जब लीडर्स बोलते हैं वो सुनती है और उसके अनुसार वो डिसीजन लेती है। इसीलिए जो डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो बच्चों, आज आपने फॉर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ा, तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, राइट ब्रीफ नोट, BRIEF, ब्रीफ नोट ऑन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इट्स मेरिट MERITS, मेरिट एंड डीमेरिट। माइन क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। ठीक है, आज तो मैं इतना ही कराऊंगी आपको, क्योंकि लगभग आपके ये खत्म होने वाला है चैप्टर, इसको आपको पढ़ना है और अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी रह जाएगा और फिर आपका जो लेसन है वो फिनिश हो जाएगा, फिर इसमें आपको ज्यादा नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। लेकिन क्योंकि अब कोर्स चेंज हो गया है, आप बुक ले लीजिए, ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अभी से लीजिए और 10th क्लास की पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए साथ साथ। ठीक है, तो यहीं पर मैं फिनिश करती हूँ, डेमोक्रेसी पर ही फिनिश करूंगी, कल भी स्टार्ट करूंगी डेमोक्रेसी पर और फिर आपको आगे बताऊंगी। तब तक आप बुक पढ़िए, अंडरलाइन करना सीखिए जैसे मैं करवाती हूँ, यहाँ तो मैं पता नहीं कैसे करवाऊँ, अंडरलाइन नहीं करवा सकती,